घोषित रैली के संबंध में कल आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है और रैली की पूरा तैयारी कर ली गई है और उसी का अंतिम रूप देने के लिए आप लोगों से बात करने के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया है। आदिवासी एकता महारैली के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, संयोजक अजय तिर्की जी, संयोजक प्रेमशाही मुंडा जी, संयोजक श्रीमान शिवा कच्छप जी और कुछ हमारे लोग आ रहे हैं, बाकी सारे यहाँ पर जो रैली को तैयारी करने के लिए अंतिम रूप देने के लिए मुख्य रूप से लगे हुए हैं, कुंद्रन सिंह मुंडा जी हैं, एल्विन जी लकड़ा जी हैं, कुलदीप तिर्की जी हैं, इधर हुरहुरिया जी लोग हैं पूरा, और अभय भुटकुमार जी हमारे संयोजक जी, अभय भुटकुमार जी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित। कल का आदिवासी एकता महारैली ऐतिहासिक होगा और रैली करने का जो मुख्य उद्देश्य है उसको मैं आप लोगों के सामने ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासियों के साथ उपेक्षा किया जा रहा है, हाल के बजट में आप देखेंगे तो ट्राइबल्स हब प्लान की राशि में जो कटौती, उसके साथ अन्य योजनाओं में भी कटौती उनके द्वारा किया गया है। लगातार फाइनेंशियल ईयर आपका 2022-23 में वही स्थिति थी और उसके अनुपात में अभी जो आपका 24-25 का आपका वित्तीय वर्ष में भी वही स्थिति, उससे भी ज़्यादा कटौती कर दी गई है। एक तरफ से कहा जाए कि आदिवासियों के साथ में सौतेला व्यवहार कहें, उपेक्षा किया जाना, दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिल करके, क्योंकि आदिवासियों से लड़ाई आप नहीं जीत सकते हैं बगैर उसको बांट करके, ये कई एक महापुरुषों ने भी कहा है, तो इसलिए आदिवासियों को लड़ाओ, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी तभी काबिज हो सकती है जब तक आदिवासी को बांटने के बाद ही, और इसीलिए अपने विभिन्न तरह का षड्यंत्र करके जो आदिवासियों को बांटने का लगातार प्रयास करके विभिन्न तरह का चीज़ों को परोसने का जो काम करती है उसके खिलाफ में। तीसरा है महत्वपूर्ण इशू कि एक लंबे समय से सरना धर्मावलंबियों का एक संघर्ष है जो रिलीजन आइडेंटिटी को लेकर के, धार्मिक पहचान को लेकर के, जनगणना कोड में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह अलग से कोड मांगा जा रहा है और 2019 के चुनाव में देश के माननीय गृह मंत्री जी में गुमला के सभा में उनके द्वारा कहा गया था 19 में हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से जो कोड है आदिवासियों का, रिलीजन कोड सरना धर्मावलंबियों का, इस पर हम विचार करेंगे। मगर आपका 5 साल पूरा हो गया, चुनाव भी आ गया, मामला यथावत रह गया। ये इस मांग, ये एक हमारा रैली का महत्वपूर्ण मांग रहे। तीसरा बिंदु है कि इसी चीज़ को असम में जो चाय बगान में काम करने के लिए गए हैं आदिवासी, सैकड़ों साल हो गया, झारखंड का आदिवासी जो असम में काम कर रहे हैं उनको आदिवासी का दर्जा नहीं है, आज वो लोग
MOBC के रूप में जाने जाते हैं, माइग्रेटेड अदर बैकवर्ड क्लास के रूप में जाने जाते हैं। इसके बारे भी माननीय गृह मंत्री जी ने असम का चुनाव में बहुत जोर शोर से उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई सुनवाई अब तक नहीं की गई है। और ऐसे कई एक महत्वपूर्ण इशू हैं, उन तमाम बिंदुओं को लेकर कल रैली आयोजन किया गया है। और रैली में पूरे प्रदेश के सभी जिलों के आदिवासी दलितों की सहभागिता होगी और कल का रैली ऐतिहासिक होगा। सभी जो उत्तरी छोटा नागपुर हुआ, जो हजारीबाग वगैरह चतरा वगैरह सब से आएंगे, उनके लिए जो उनकी गाड़ी आएगी उसके लिए मैदान के आपका दक्षिणी ओर, उस तरफ से आपका कोल्हान प्रामंडल खूंटी वगैरह सिमडेगा वगैरह तरफ से आएंगे उसके मैदान के उत्तरी क्षेत्र में, और इधर आपका पलामू लोहरदगा और गुमला तरफ से आने वाले लोगों का आपका पश्चिम क्षेत्र में, मतलब कि आपका बहुउद्देशीय परीक्षा भवन है वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। रैली में विशेष रूप से विशेष वक्ता के रूप में जो लगातार महाराष्ट्र में आदिवासियों का रिलीजन कोड को लेकर महाराष्ट्र में संघर्षरत रहते हैं शिवाजी राव मोगे, जो आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है। और इसके साथ साथ गुजरात के आदिवासी नेता नारायण राठवा जी भी आने की सहमति दी है। शिवाजी राव मोगे जी का कार्यक्रम भी आ गया है, राठवा जी का कुछ देर में पता चल जाएगा। ये सारे लोग हैं इस महारैली में। हमारे चुनिंदे हुए जो सामाजिक और विशेषकर आदिवासियों के इश्यू पर गंभीरता से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे जमीन का मसला हो, चाहे आपका बैकलॉग जैसे मामला, बहुत सारे मामले हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के, बातों को लेकर के, हमारे जो चुनिंदे जो है संघर्षशील साथी, वैसे लोग कल रैली को संबोधित करेंगे। रैली में आने रैली का कार्यक्रम हर हालात में 12:15 बजे से शुरू हो जाएगा और हम आप पत्रकार साथियों को 12:45 बजे आप लोगों को उपस्थित होने के लिए हम अपील कर रहे हैं, ठीक है। अब लक्ष्मी जी हैं, फिर अजय जी हैं। इस रैली का शुरुआत जो एक आना आदि प्रार्थना, एक प्रार्थना के द्वारा ही इस रैली को प्रार्थना करने के बाद आना आदि प्रार्थना, जिसके बारे में अजय जी आपको बतला देंगे, शिवा जी हैं बतला देंगे आपको, उसके बाद में रैली की शुरुआत की जाएगी। लक्ष्मी जी, हाँ, पाँच को मैंने 5 को फ्लोर टेस्ट है, उसी का कल उत्सव मनाने का रैली में भी तैयारी हो जाएगा, शंखनाद भी होगा। बीजेपी कह रही टूरिज्म पॉलिटिक्स पे गए हैं आपके विधायक, अब बीजेपी को क्या बोलते हैं, हम सोचते हैं ना कभी रैली में रखे इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा, रैली पर सवाल करिए। तो नहीं नहीं नहीं, देखिए बीजेपी क्या कहते, उनको और क्या कहना है, सब कुछ तो कहिए दिया उसके पास, और बाकी क्या है, बहुत सारे चीज़ों को तो हम पहले ही हम बोले, क्योंकि उनके पास और कुछ एजेंडा नहीं है, इशू नहीं है। ट्राइबल का बजट में अभी आपका केंद्र का बजट में इनका राशि का कटौती हो गया, उस पर तो बोलेंगे नहीं, 5th शेड्यूल पर तो बोलेंगे नहीं, मणिपुर पर तो बोलेंगे नहीं, अजय जी बोले MP वाला मामले पर बोलेंगे नहीं, छत्तीसगढ़ को बोलेंगे नहीं, तो ये कौन क्या पिकनिक मनाने गया कि टूरिज्म करने गया, यही सब चूँकि वो लोग ऐसे ही करता है ना, तो जैसे अपने करता है वैसे किया। आप सुने ना कुछ बीजेपी के 3 नेता लक्ष्मीकांत, वाजपेयी, फलना रहे, पूरा सरकार बनाने माहिर, फलना देखना,
किस तरह से लोगों को ये करने का प्रयास करता है, दिग्भ्रमित करता है, इसलिए बेकार चीजें उनको आप ध्यान देखिए। आने वाले दिन में कल का रैली दिशा तय करेगा, कल का आने वाले दिन में इनका क्या हादसे होगा वो पता चलेगा। चलिए कुछ लेना तो हम लोग दे देंगे। हाँ हाँ हाँ।